आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लेसन प्लान हिंदी का, क्लास 3 चीटी चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 2। और यहाँ पर देखिए पूरा है पाठ का सार, फिर उसकी कॉम्पिटेंसीज, TLO, और TLO को करने के लिए टीचर्स क्या क्या करेंगे क्लास में, और फिर कैसे उसका असेसमेंट करेंगे। तो इसको अच्छे से देखिए, समझिए, और इसमें कुछ लिंक्स दी गई हैं, वो भी आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। और इसका जो डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, तो मैंने इसका PDF भी डाला हुआ है, आप लोग आराम से देख कर इसको कम्प्लीट कर सकते हैं। तो पहले हम शेयर बताते हैं इसमें है क्या क्या। तो पाठ का सार है, चींटी कविता में चींटी की मेहनत के बारे में बताया गया है, चींटी के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ने का संदेश दिया गया है, कर्म ही पूजा होती है यह बताया गया है चींटी के माध्यम से। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो चींटी की तरह हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, ये सीख सिखाई गई है इस कविता के माध्यम से। नेक्स्ट कॉम्पिटेंसीज आप सबको पता है, श्रवण पठन लेखन वाचन और सृजनात्मक लेख। फिर हम आते हैं नेक्स्ट TLO के लिए, विद्यार्थी शिक्षक के साथ मिलकर कविता को गाएंगे, और कैसे गाएंगे वो है सुर ताल तुकबंदी के सही उच्चारण के साथ, अर्थ को समझकर, और फिर उनके अर्थ कविता को समझकर अपने वाक्य में उसकी समरी बता देंगे, बता सकते हैं इसके बाद। फिर चींटी की तरह और कौन कौन से जानवर है जो मेहनत करते हैं और झुंड में रहते हैं, और फिर समान तुक वाले कुछ ग्रामर पार्ट कराएंगे, कुछ जो एक्सरसाइज दी गई हैं वो भी हम बच्चों को सिखाएंगे। टीचर्स क्या क्या करेंगे, तो टीचर्स सुरताल में मिलकर बच्चों को सही उच्चारण के साथ तुकबंदी में गाएंगे पहले, इसके लिए लिंक भी शेयर कर सकते हैं कि बच्चे कविता को याद कर सके। उसके बाद फिर उनको एक्शन करके भी बता सकते हैं, और चींटी के बारे में कुछ वाक्य लिखने को कहेंगे, उनको उस कविता को याद करके वाचन करने को कहेंगे। पाठ में आए जितने भी नए शब्द हैं उनको वो पहले अर्थ के साथ बताएंगे, फिर उन नए शब्दों से एक एक वाक्य बताएंगे कि एक एक वाक्य लिखिए उनसे, और फिर बच्चों के प्रश्न उत्तर के उत्तर करवा के इस लिंक को भी शेयर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट असेसमेंट के लिए क्या है, ओरल टेस्ट ले सकते हैं हम, और ओरल में हम कविता को सुन सकते हैं, ग्रुप में भी सुन सकते हैं, और फिर उसके बाद समान तुक वाले शब्द और भी कई ग्रामर पार्ट हम बता सकते हैं। चींटी कौन सा शब्द है, जैसे कि संज्ञा शब्द है, ये हम बता सकते हैं। चींटी के जैसे अन्य कौन कौन से जंतु हैं जिनका जो मेहनत करते हैं उनका नाम हम लिखवा सकते हैं, जैसे कि और भी जंतु हैं, जैसे कि मधुमक्खी होती है वो भी यही काम करती है, झुंड में रहती है, और उनको वर्कशीट प्रोवाइड करा सकते हैं, फिर उनका लैट ले सकते हैं। तो ये रहा पाठ का सार। अगर आपको मेरे कंटेंट और लेखन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर ऑल ग्रुप्स।